मेरा नाम सुमन चौधरी है और मैं जो नया जिला बनाया ना खैरतल तिजारा उससे हूँ। पहले तलवर था, चेंज हो गया ना। बिल्कुल तो नए जिले से हैं सुमन। मैं पिछले बार रीट में असफल हो गई थी तो मेरा भी यही था कि थोड़ा संस्कृत वीक पॉइंट था, तो फिर मैंने असफल होते ही मैम का ऐप लिया ऑनलाइन। मैंने पढ़ाई की, नोट्स बनाई, लेकिन वो मेरी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई क्योंकि ना तो मैंने टेस्ट पेपर दिए ना ही मैंने कोई वो पढ़ा अच्छे से। तो मैंने सोचा कि मैं मैम से ऑफलाइन जाके लूँगी। तो मैं मैम के लिए ऑफलाइन के लिए मैं आई थी यहाँ पे 2 अप्रैल को। तो मैं यहाँ के मैम की एक दिन की डेमो लेके यहाँ से चली गई रास्ते में, तो मुझे 2 लड़कियाँ मिली। वो बोली कहाँ गई थी, मैं बोली मैं तो मैम की कोचिंग दे के आई। अरे उसके पास मत जाओ, वो तो अच्छा नहीं पढ़ाती, वो तो पूरे दिन बातें करती है और वो तो है ना छुट्टी भी बहुत ज्यादा करती है। अच्छा, फिर मेरे को भाई वो चीज कुछ भी कहे और वो कुछ भी पढ़ाए या छुट्टी करे, पढ़ूंगी तो मैं उसी से। बोली क्यों, मुझे तो मैडम की बातें ही पसंद है। क्योंकि मैडम की जब मैं ऑनलाइन लेती थी ना, जब मैडम बच्चों से बातें करती थी पूछती, मेरा बहुत मन होता कि मैं भी मैम के सामने बैठूं और मैम से पूछूं और उनके सवालों का जवाब दूं। ये बोले कि देख ले नहीं वो कोचिंग अच्छी है। हमने कि मैम मेरे को तो पसंद नहीं है कोई भी कोचिंग, तो मैं तो मैम के पास ही जाऊंगी। अगर जयपुर आई तो मैं मैम से ही कोचिंग लूंगी, नहीं किसी से नहीं लूंगी। फिर मैं यहाँ पे आके मैम से 1 महीने बाद आई, वैसे मैं कुछ काम हो गया था घर पे, फिर मैम से आके कोचिंग ली। और मैम से सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि मैम हर बच्चे से ऐसे जुड़ती है जैसे सभी अपने खुद के बच्चे हैं, नहीं कोचिंग में इतना जुड़ा कोई नहीं रखता। तो मैंने यही सोच के आई थी मुझे संस्कृत समृद्धि में ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है। अगर फिर बोले देख ले ऑनलाइन, मुझको नहीं, अगर और कोचिंग में जाऊंगी तो मैं जयपुर जाऊंगी नहीं, मैं घर ही ठीक हूँ।